माई सेल्फ शुक्रण सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के चर्चा करने से पहले इसकी भूमिका के बारे में अपन जानना चाहेंगे। भूमिका के अंतर्गत राजस्थान की अर्थव्यवस्था अब तक एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था राज्य में लगभग 62% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। 62% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से अपना जीवन यापन करती है। कृषि एवं पशुपालन से अपने जीवन यापन से अपने आय का स्रोत एवं आय के इनकम के रूप में माना जाता है। यही उनकी इनकम होती है। भूमिका के अंतर्गत राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी तक एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ 1960 व 61 में राज्य को कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पाद में लगभग 57% भाग प्राप्त होता था। वह धीरे धीरे घटता हुआ 2014-15 में 26.41% हो गया है। स्थिर कीमतों पर 2015-16 में राज्य के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि का योगदान 26.15%, 2016-17 में 25.29% तथा 2017-18 में 24.61% रहा। फिर भी उसकी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। राज्य की लगभग 62% जनसंख्या अभी भी कृषि एवं पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन करती है। कहने का मतलब ये है अपने राजस्थान के अंतर्गत 62% लोग कृषि पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है। अपने इनकम का स्रोत कृषि के माध्यम से ही अपने रोजगार अपने जीविकोपार्जन का साधन को अपनाते हैं। राजस्थान में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि कृषि का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 62% लोग अधिकतर लोग कृषि करते हैं। उसे अनेक प्रकार की कृषियों मतलब कृषि के माध्यम से इनकम का जीविकोपार्जन के साधन के रूप में अपनाते हैं। अब अपन राजस्थान की प्रमुख फसलें के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें के बारे में सर्वप्रथम थोड़ा भूमिका के बारे में इसकी भूमिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 62% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से जीवन यापन करती है। किंतु वर्षा की कमी एवं अनिश्चितता के कारण अकाल सूखा की विपत्तियां सामान्य बनी हुई है। राजस्थान में एक मुख्य कारण यही है, अकाल, बाढ़, अनिश्चितता, सूखा। इसकी वजह से अपना राजस्थान सूखे अकाल की चपेट के आने से कृषि करने में अपने बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। राजस्थान में जलवायु की उष्णता, सिंचाई की अपर्याप्तता, वर्षा की कमी, मिट्टी की बनावट में भिन्नता के कारण कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ये राजस्थान की प्रमुख विशेषता है कि जलवायु, उसकी सिंचाई, वर्षा की कमी, मिट्टी की बनावट से उसकी भिन्नता के कारण कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। यहाँ एक और मुख्य रूप से मोटा अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना है, दालें हैं, तिलहन पैदा होता है। राजस्थान में मुख्य तौर अनाज अनाज भी है, मोटा अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना, दालें, तिलहन की पैदावार होती है। यहाँ सिंचित क्षेत्रों में जो सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ गेहूं, चावल एवं कपास आदि की फसलें भी बोई जाती हैं। गेहूं, चावल, कपास की फसलें मुख्य रूप से कम होती हैं। मुख्य रूप से राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का, बाजरा, चना, दालें, तिलहन आदि पैदावार होती है। और सिंचित क्षेत्रों में गेहूं, चावल और कपास आदि की फसलें बोई जाती हैं। राजस्थान में प्रमुख कृषि फसलें निम्न प्रकार हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार की फसलें हैं जिसके माध्यम से अपन जानना चाहेंगे। मुख्य रूप से नंबर वन फसलें खाद्यान्न फसलें, जो खाद्यान्न फसलें के रूप में अपन अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने भोजन के लिए प्रयोग में लेते हैं। गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, मक्का है और विभिन्न प्रकार की दालें भी
खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आती है। ये राजस्थान में मुख्य रूप से पैदावार होती है, गेहूं सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गेहूं की मात्रा होती है, गेहूं का पैदावार बहुत ज्यादा होता है। ज्वार है, बाजरा है, बाजरा गेहूं है, मक्का है, चना है और विभिन्न प्रकार के दाने भी इसमें सम्मिलित है। दूसरी फसलें आती हैं अपनी व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें में कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, तिलहन है। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन भी व्यापारिक फसलें हैं जो राजस्थान में मुख्य रूप से बोई जाती है। इस प्रकार से दो प्रकार की फसलें मैंने आपको बताई, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें मुख्य रूप से पैदावार का एक स्रोत माना जाता है। ये दो प्रकार की फसलों के बारे में अपने यहाँ पर चर्चा की। ये दोनों फसलें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपन सबसे ज्यादा अगर उत्पादन की तेजी की अगर अपन चर्चा करें तो गेहूं, राजस्थान में गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। गेहूं का उत्पादन यहाँ 1950-51 में वार्षिक उत्पादन 6.8 लाख टन था, अब वह बढ़कर 2012-13 में 107.7 लाख टन हुआ और 2014-15 में गेहूं उत्पादन में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र व 2 करोड़ रुपयों का पुरस्कार भी दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह, राजस्थान में तेजी से उत्पादन के रूप में गेहूं एक मुख्य स्रोत माना जाता है, मुख्य है, मुख्य पैदावार फसल है, जो कि दिन प्रतिदिन इसके टनों में उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है। सर्वप्रथम मैंने बताया 1950-51 में वार्षिक उत्पादन 6.8 लाख टन, इसका बढ़ के 2012-13 में 107 लाख टन और 2014-15 में गेहूं का उत्पादन उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र और 2 करोड़ का पुरस्कार भी दिया गया है। कहने का मतलब यह है अपन गेहूं का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तेजी से होता है, कहने का मतलब बहुत तेजी से होता है। अब अपन बात करेंगे राजस्थान में जो कृषि है, जो कृषि की जो पॉलिसी अपनाई जाती है, जो कृषि नीति है राजस्थान में, कृषि नीति भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य 2015 तक 4% वार्षिक दर से कृषि करना था। कहने का मतलब है कि अपना इसका मेन ऑब्जेक्टिव 2005 तक भी 4% वार्षिक दर से कृषि का उत्पादन करना था। कृषि नीति मैंने बताया घोषणा इसकी कब की गई, 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, भारत सरकार ने की गई और इसका उद्देश्य 2005 तक 4% तक वार्षिक दर से वृद्धि करना था। अब इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कृषि नीति की मुख्य विशेषताएं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कृषि नीति अपनाने से, कृषि नीति का मेन उद्देश्य ये है कि कृषि नीति जब अपनाई जाती है तो मुख्य रूप से ये है, मतलब कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि करना। राजस्थान राज्य की अलग कृषि नीति नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार ही कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की गई, इसका उद्देश्य 2005 तक के 4% दर से कृषि का विकास करना था और कृषि के क्षेत्र में विकास की यह दर सृजनात्मक संस्थागत, कृषिगत एवं करों के क्षेत्रों में एक साथ सुधार लाकर प्राप्त की जाएगी, मतलब एक साथ सुधार लाकर के प्राप्त की जाएगी। यह बहुप्रतीक्षित कृषि नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई। तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की गई। अभी राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य के बारे में अपन अभी बताया, राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे बाद में, पहले इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। इसका मेन उद्देश्य मैंने आपको बताया 2005 तक 4% वार्षिक दर से वृद्धि करना था। अब इसकी विशेषताओं में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 है जो इसकी मुख्य विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर वन विशेषता है कृषि उत्पादन में 4% से अधिक वृद्धि, मतलब कृषि उत्पादन में अपना मेन इसकी विशेषता में 4% तक अधिक वृद्धि की होनी चाहिए होगी। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य वर्तमान में 1.5% दर की तुलना में वर्ष 2005 तक 4% से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना है। इस
नीति में कृषि वृद्धि दर को 3 गुना से अधिक करने पर जोर दिया गया, ताकि न केवल घरेलू मांग को पूरा किया जा सके अपितु निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके। 11वीं योजना के प्रथम 4 वर्षों में 2007-08 से 2010-11 में औसत कृषि विकास दर 3.5% रही, जो लक्ष्य 4% से कम थी। 12वीं योजना में भी कृषि विकास दर 4% करने का लक्ष्य रखा गया। कहने का मतलब है कृषि उत्पादन में 4% 12वीं योजना में 4% इसका लक्ष्य रखा गया। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपाय, क्योंकि अपने वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपाय के रूप में कृषि विकास के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सृजनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं करारोपण संबंधी विभिन्न उपायों को एक साथ लागू करके प्राप्त किया जाएगा। इस नीति को मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए वस्तुवार व्यूहरचना बनाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय कृषि नीति को वायदा बाजार, राष्ट्रीय पशुधन नस्ल व्यूहरचना, ग्रामीण विद्युतीकरण, संस्थागत कृषि साख, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं कर ढांचे पर पुनर्विचार को बहुत महत्व दिया गया कि कर इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है और कर ढांचे का पुनर्विचार को बहुत महत्व दिया गया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कृषि क्षेत्र की भूमिका। तीसरी विशेषता इसकी कृषि क्षेत्र में भी भूमिका है। कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन करने का लक्ष्य रखा गया, विशेषकर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, फसल कटाई के बाद उसके प्रबंध एवं विपणन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुबंध कृषि एवं भूमि के पट्टे पर देने की व्यवस्था के आधार पर प्रोत्साहन किया जाएगा, ताकि त्वरित गति से तकनीकी का स्थानांतरण हो सके, पूंजी का स्तर प्रवाह हो तथा तिलहन, कपास एवं बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए आश्वासित बाजार मिले। इस नीति में निजी क्षेत्र के अंतर्गत शोध एवं विकास के महत्व को स्वीकार किया गया। चौथा पॉइंट है नीति का केंद्र बिंदु। नीति का जो केंद्र बिंदु है, मतलब कृषि नीति का जो केंद्र बिंदु 2000 का, मुख्य रूप से इसका केंद्र बिंदु संसाधनों एवं तकनीकी का कुशलतम उपयोग करना, क्योंकि कृषि नीति में जो टेक्निक अपनाते हैं उसका संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है, तकनीकी का कुशलतम उपयोग करना है, किसानों की साख की पर्याप्तता, उपलब्धता एवं कीमत उच्चावचनों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब अनेक प्रकार की टेक्निक किसान को उपलब्ध करवाना है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उनकी फसलों का बीमा है, अनेक प्रकार की टेक्निक अपना करके फसलों को की पैदावार, उसकी कटाई बुनाई के लिए उसमें अनेक प्रकार की टेक्निक अपनाना, जिससे किसान को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान हो सके। 5वीं विशेषता है इसमें किसानों के संरक्षण की व्यवस्था, किसानों के संरक्षण मतलब उसकी संरक्षण बचाव के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें विश्व व्यापार संगठन समझौते के परिणाम स्वरूप कृषि आयातों एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से बचाव के लिए नेप 2000 में वस्तुवार व्यूहरचना की सिफारिशें की गई, फलस्वरूप किसानों के हितों की सुरक्षा की जाएगी एवं विश्व बाजार की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव के प्रभाव से बचा जा सकेगा तथा कृषि निर्यातों को बढ़ावा भी मिलेगा। मतलब किसानों के संरक्षण की व्यवस्था के लिए भी अनेक प्रकार की इसमें टेक्निक, अनेक प्रकार की सुरक्षा बताएगी। वायदा बाजार का 6.6 की विशेषता, वायदा बाजार का क्षेत्र, वायदा बाजार क्षेत्र नेप 2000 में वायदा बाजार के क्षेत्र में विस्तार की घोषणा की गई, ताकि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उच्चावचनों को नियंत्रित किया जा सके एवं संभावित हानि से बचा जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 में वायदा बाजार को प्रारंभ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए,
जिन्होंने अधिसूचना के निर्गमन द्वारा सभी वायदा बाजार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना एवं राष्ट्रीय स्तर के विनिमय केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। विनिमय केंद्रों में बेची जाने वाली प्रमुख कृषि में सोयाबीन का तेल, गवारफली, गोंद, चना, जूट, रबड़, मिर्च, हल्दी, गेहूं, कपास आदि शामिल है। इन विनिमय केंद्रों में कई 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 प्रयोग किए गए कि मतलब कई प्रयोग है जिसमें देश के विपणन में दक्षता बढ़ेगी, भंडारण प्राप्ति के लिए भी इसकी मतलब सुपूर्दगी के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं से अपना छुटकारा मिलेगा। तो वायदा बाजार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब गुणवत्ता जोखिमों के संबंध में संरक्षण हेतु ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां इसका विशेषता है स्थायी विकास। स्थायी विकास के अंदर राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास करने, लाभदायक रोजगार का सृजन करने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का भी लक्ष्य रखा गया है। मतलब स्थायी विकास में लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों के जीविकापार्जन के लिए इनकम का, आय का साधन बने, लक्ष्य रखा। इस नीति के स्थायी कृषि विकास हेतु भी अनेक सुझाव दिए गए हैं, जैसे है भूमि पर जैविक दबावों को सीमित करना, भूमि के अवकंडन एवं विभाजन को नियंत्रित करना, बंजर भूमि का कृषि एवं वनों के लिए उपयोग करना, वाटरशेड प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहन करना ताकि वर्षा के पानी का सदुपयोग किया जा सके। वाटरशेड प्रणाली है, वनों का उपयोग करना है, अवखंडन है, विभाजन है, इनको शामिल किया गया है। बहुफसल एवं मिश्रित फसलों के लिए फसल तीव्रता में वृद्धि करना, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों से सिंचाई का विकास को बढ़ावा देना भी मुझे माना गया है। आठवीं इसकी विशेषता है राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन योजना। इस नीति के राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यूह रचना का उल्लेख किया गया है ताकि दूध, मांस, अंडे, पशुधन उत्पादों की मांग की पूर्ति हो सके एवं भरपाई पशुओं को कृषि कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। नवी विशेषता है संबंध क्रियाओं को उच्च प्राथमिकता भी बताया गया। इस नीति के अंतर्गत कृषि की संबंध क्रियाओं में जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब संबंध क्रियाओं के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन के विकास में अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। दसवीं इसकी विशेषता है पौधों की किस्मों का संरक्षण। इसकी दसवीं विशेषता मानते हैं कानून बनाकर पौधों की किस्मों का संरक्षण किया जाएगा एवं नई प्रजातियों के प्रजनन एवं शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब पौधों की किस्मों का संरक्षण करना है। ग्यारहवीं इसकी विशेषता है उन्नत किस्मों को उच्च प्राथमिकता। उन्नत किस्मों में कृषि बागवानी फसलों, पशुधन प्रजातियों एवं मत्स्य की स्थायी प्रजातियों एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त किस्मों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च किस्मों के प्राथमिकताओं में पशुधन को बागवानी है, कृषि है, इनको ज्यादा अपन आर्थिक दृष्टि से उच्च प्राथमिकता अपने रूप में दी जाएगी, ये इसकी विशेषताओं में माना गया। बारहवीं है घरेलू बाजार का उदारीकरण के बारे में नई कृषि नीति की घोषणा की गई है। घरेलू कृषि बाजार में उदारीकरण लाया जाएगा। वह समस्त नियंत्रण एवं नियमन जो कृषि विकास एवं कृषकों की आय वृद्धि में बाधक बने हुए हैं समाप्त किए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपनी मेहनत एवं निवेश का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सके। तेरहवीं इसकी विशेषता है वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन जो कि भारत के अंदर जो प्रतिबंध वस्तुएं हैं उसको समाप्त किया जाए, उसमें लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। इस राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का यह प्रयास होगा कि कृषि वस्तुओं के संपूर्ण भारत में आवागमन पर लगे प्रतिबंध
उत्तरोत्तर समाप्त किए जाए, तभी अपने वस्तुओं का आवागमन रहेगा। चौदहवीं इसकी विशेषता है कर ढांचा, कर टैक्स स्ट्रक्चर। इस नीति का, कर ढांचे के अंतर्गत इस नीति का उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्न एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के कर ढांचे को पुनर्विचार किया जाएगा एवं इसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। फार्म मशीनरी उपकरण कृषि उत्पादन के आदान के रूप में प्रयुक्त फसल कटाई के पश्चात भंडारण आदि उत्पाद कर लगाए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे, जहां तक संभव हो सके कृषक नियमन एवं कर संग्रह प्रणाली से बाहर रहे। पंद्रवा पॉइंट, पंद्रह इसकी विशेषता है ग्रामीण विद्युतीकरण। विद्युत के बगैर कृषि करना बड़ा संभव है। विद्युत होगी तभी अपन आसानी से कृषि कर पाएंगे। उनकी पैदावार के लिए जल सिंचाई कुएं नहर के माध्यम से कुंवरों के माध्यम से ले पाएंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण एक मुख्य माना जाए। इस नीति के अंदर ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह कृषि विकास का प्रमुख वाहक बन सके। कृषि एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कि मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत जरूरी है, इसकी पंद्रह विशेषता है। अगला संस्थागत शाख, संस्थागत शाख बोधरी। इस नीति के अंदर स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण एवं कृषि शाख को उत्तरोत्तर संस्थागत शाख जारी रहेगा ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त शाख मिले, क्योंकि बिना शाख बिना पैसे के कृषि करना बड़ा संभव है। उनको अनेक बैंकों के माध्यम से लोन लेकर के किसान को पैदावार के लिए उपलब्ध साधन उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, तो इसमें संस्थागत शाख होना बहुत जरूरी है। सत्रहवीं विशेषता है इसकी एकमुश्त बीमा पॉलिसी। एकमुश्त बीमा पॉलिसी कृषि में किया गया है कि किसानों के लिए बीमा फसलों का बीमा होना बहुत आवश्यक है। बिना बीमा के फसल होना असंभव, क्योंकि काफी नुकसान हो जाता है किसान वर्ग को, तो अपने को ये जरूरी है। एकमुश्त बीमा पॉलिसी में इस नीति के अंदर ये घोषणा की गई कि किसानों को एकमुश्त बीमा पॉलिसी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीमा पॉलिसी में फसलों की बुआई से लेकर के फसल कटाई के बाद गतिविधियां, कृषि उत्पाद की कीमतों में होने वाले बाजार उचावचनों से संबंधित जोखिमों का बीमा भी होगा। जो फसलों की जो भी फसल किसान बाढ़ अकाल अनिश्चितता कारण की वजह से कोई भी जन धन की हानि होती है तो उनको पर्याप्त मुआवजा या उसकी जो बीमा की गई है फसल उनका उनको मुआवजा दिया जाएगा। 18वीं इसकी विशेषता है कृषि उत्पादकों का आयात। कृषि उत्पादकों के आयात में राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में घोषणा की गई कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार हमें कृषि उत्पादों के आयात को खोलना होगा, लेकिन देश के किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त आयकर लगाए जाएंगे। क्योंकि आयकर आयात कर लगाए जाएंगे ये देश के हितों की सुरक्षा, मतलब देश के किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 19वीं इसकी विशेषता है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रतिकूल व्यापार शर्तें। व्यापार में सत्य प्रतिकूल व्यापार शर्तें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति ने 2000 में कृषि राष्ट्रीय नीति 2000 में स्वीकार किया गया है कि कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही हैं जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे प्रतिकूल व्यापार शर्तों की संज्ञा दी गई है, प्रतिकूल व्यापार शर्तों की संज्ञा दी गई। इस नीति का यह प्रयास होगा कि व्यापार की शर्तों को कृषि के पक्ष में परिवर्तित किया जाए। अगला इसकी विशेषता है राष्ट्रीय कृषि नीति जल उपयोग। जल उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में नहरी पानी एवं भूजल के संयुक्त रूप से उपयोग लाने के निर्देश दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में नहरी पानी अत्यधिक उपयोग से जल प्लायन की समस्या उत्पन्न हो रही है। देश के विनियोजकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष यह बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के द्वारा फुहारा बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन करने की घोषणा की गई कि जल के बगैर कृषि करना असंभव है, तो इसका उपयोग होना राष्ट्रीय कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहर के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से जल का संग्रह करके कृषि कार्यों में लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण
माना गया। और भी इसके अनेक विशेषताएं, विविध में विविध विशेषता, बीज प्रमाण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, बंजर भूमि को कृषि एवं वृक्षारोपण हेतु किसानों को आवंटित किया जाए। अब अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में, कृषि की व्यू रचना, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। कृषि की व्यू रचना के अंतर्गत व्यू रचना को मुख्य रूप से हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति का मतलब सर्वप्रथम हरित क्रांति 1966-67 में हुआ इस नीति के कार्यक्रम के अंतर्गत। मतलब हरित क्रांति में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ज्यादा ज्यादा पैदावार में उत्पादन में, पैदावार में अच्छी किस्म का प्रयोग करना, तभी कृषि राष्ट्रीय कृषि हरित हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 66-67 में हुआ। हरित क्रांति एक मुख्य रूप से है, इसमें इसके व्यू रचना के अंतर्गत पहली है उन्नत बीज कार्यक्रम। हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीज कार्यक्रम मतलब उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग भी ये इसमें शामिल है। उच्च किस्म के बीजों को हरित क्रांति के अंतर्गत शामिल किया गया। उन्नत बीज कार्यक्रम में नई कृषि व्यू रचना के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग अधिक अधिक ध्यान दिया गया है। अच्छी किस्म के बीज तैयार करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम तथा 1969 में राज्य फॉर्म निगम की स्थापना की गई। बीज निगम बीज प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है, फार्म निगम राष्ट्रीय बीज निगम उन्नत किस्म के बीज प्रदान करने की व्यवस्था करता है। फॉर्म निगम में सूरतगढ़, चेतसर, हिसार, झारसुगर, रायसूर, कनौर, झेलम, डोंगिड़ आदि स्थानों पर कृषि फार्म है। निगम की रायबरेली में एक प्रदर्शन फार्म भी है। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान परिषद एवं विश्व बैंक भी इस काम में सहायता दे रही है। मतलब उन्नत बीज कार्यक्रम अपने पास बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उन्नत बीज कार्यक्रम के अंतर्गत ये है। अगला, दूसरी इसके व्यू रचना के अंतर्गत कार्यक्रम आती है राष्ट्रीय उर्वरकों का प्रयोग। मतलब राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों में भूमि की गिरती हुई उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने एवं आवश्यक होने पर आयात की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है, इससे उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी यह कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अगला है बहुफसल कार्यक्रम। बहुफसल कार्यक्रम 1967-68 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष दो या तीन फसलें पैदा करना। मतलब बहुविकास बहुफसल कार्यक्रम में सिंचित जो क्षेत्र है प्रतिवर्ष में दो या तीन फसलें पैदा करना इसमें है, जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरे को शीघ्र तैयार करने वाली फसलें विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त तिलहन, आलू, सब्जियां, सब्जियों के लिए भी ऐसी किस्म तैयार की जा रही है जिसे एक वर्ष में तीन व चार फसलें डाली जा सकेगी। लेकिन अब तक 20% सिंचित क्षेत्र में ही बहुफसल कार्यक्रम हो सका है। ये बहुफसल कार्यक्रम भी इसके व्यू रचना के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला, लघु सिंचाई योजना। लघु सिंचाई योजना भी इसकी एक कृषि व्यू रचना की एक महत्वपूर्ण व्यू रचना के अंतर्गत कार्यक्रम आती है। लघु सिंचाई योजना, नवीन व्यू रचना के लघु सिंचाई योजना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 1965-66 में 66-67 में अकाल का सामना करने की आपूर्ति योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई की विशिष्ट योजनाएं स्वीकार की गई। इसके अंतर्गत नलकूप, विद्युत, डीजल, कुएं आदि का विकास सम्मिलित है। इस नीति में लघु सिंचाई योजनाओं को इसलिए अधिक महत्व दिया गया क्योंकि इसमें कम धन व्यय होता है और ये परियोजना जल्दी पूरी हो जाती है। लघु सिंचाई योजना के बारे में पढ़िए। अगला, पौध संरक्षण। पौध संरक्षण भी इस नीति का एक प्रमुख भाग माना है। फसलों में कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग मतलब प्रयोग पर भी अधिक बल दिया गया है। पौध संरक्षण तथा फसलों व कीड़ों को बचाने के लिए पौध संरक्षण निदेशालय तकनीकी सलाह यंत्र कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करता है। तो पौध संरक्षण भी इसकी फसल की जो कृषि नीति
हरित क्रांति कृषि नीति इसकी व्यूहरचना का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। छठी इसकी छठी व्यूहरचना कार्यक्रम में आता है सघन कृषि कार्यक्रम। सघन कृषि कार्यक्रम खाद्यान्नों के दबाव को दूर करने के लिए 1960 में 61 में 3 जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बाद में इसमें जिलों को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, सघन कृषि कार्यक्रम को। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान शाख एवं कृषि आदानों की पूर्ति को समन्वित करना। इस कार्यक्रम में सघन कृषि के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो कृषि सघन कृषि कार्यक्रम मुख्य रूप से 3 जिलों में प्रारंभ किया गया, फिर बाद में इसमें अनेक जिलों में उनको शामिल किया गया। ये मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और तकनीकी ज्ञान और अन्य आदानों की पूर्ति के लिए भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है कृषि उद्योग निगम। कृषि उद्योग निगम भी कृषि व्यूहरचना की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है। किसानों को कृषि के काम आने वाले औजार, यंत्रों, मशीनों आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए लगभग सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। यह निगम कृषि यंत्र, मशीनें, उपकरण आदि को वितरित करने, किराए पर देने एवं सुधार के लिए केंद्र स्थापित करते हैं। यह निगम अपने केंद्रों के माध्यम से किराया क्रय पद्धति के आधार पर किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट आदि उपलब्ध करवाते हैं। तो मतलब कृषि उद्योग निगम मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के तकनीक किसानों को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे पैदावार में, कृषि विकास में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। 8वीं इसकी व्यूहरचना के बारे में कृषि वित्त सुविधा। कृषि वित्त सुविधा कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान अधिकतर महाजनों से लोन लेकर के, ऋण लेकर के काफी चंगुल में फंस जाते हैं, तो भारी ब्याज उनको चुकाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए कृषि वित्त सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। वाणिज्य बैंकों का सहारा लिया जाता है। वाणिज्य बैंकें अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाती हैं, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, जिससे वो आसानी से अपने फसल में, कृषि वित्त में मतलब आसानी से कर सके। मुख्य रूप से भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, व्यापारिक बैंक है, सहकारी शाख समितियां हैं, ग्रामीण बैंक है, सरकारी एजेंसियां हैं जो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से कृषि वित्त सुविधाओं में एक बहुत बड़ा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड की। नाबार्ड 1982 में इसकी स्थापना की गई, जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध, मतलब दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। ये नाबार्ड की भी कृषि वित्त सुविधा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसकी व्यूहरचना में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग होता है। 9वीं इसकी व्यूहरचना के बारे में अपन चर्चा करें। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना में कृषकों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों में शिक्षित बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों द्वारा कृषक समुदायों को आवश्यक तकनीकी जानकारी और सुविधाएं दी जाती हैं। इन केंद्रों में कृषि यंत्रों का उपयोग संबंधी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 10वीं इसकी व्यूहरचना के अंतर्गत प्रोग्राम में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, क्योंकि फसल का उत्पादन करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म का अगर अपन यूज प्रयोग लेंगे तो पैदावार अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी। तो नई व्यूहरचना के हिसाब से, नई व्यूहरचना में शीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि 1960 में मक्का, ज्वार, बाजरे, संकर किस्म की तैयार की गई, जो 1963 में संकर बीजों को बड़े पैमाने से प्रयोग में लाया गया। मक्का, बाजार, ज्वार आदि की मैक्सिम आदि की किस्म के गेहूं की बुआई शुरू की गई। उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम एवं राज्यों के राज्य बीज प्रमाणन संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसे उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हो सके, उच्च पैदावार या उत्पादन में बढ़ावा के लिए इनकी भूमिका हो सके। अगला कृषि विपणन। 11वीं इसकी व्यूहरचना कार्यक्रम में कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन भी एक महत्वपूर्ण व्यूहरचना के अंदर भूमिका निभाता है, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध करवाता है। कृषि विकास के लिए कृषि उपज के उचित प्रमाणन की व्यवस्था अति आवश्यक है। यदि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है तो
तो उसे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यदि वर्ष भर मेहनत करने के बाद भी उत्पादन का उचित मूल्य न मिले और सारा लाभ मध्यस्थ हड़प जाए तो इसे किसान उत्पादन के प्रति अतोत्साहित होना पड़ेगा। कृषि विपणन के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए गए, जैसे नियंत्रित मंडियों की स्थापना, वस्तुओं का प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण करना, सहकारी विपणन समितियों का विकास आदि। विपणन की सहकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन संघ स्थापित किए गए। जिला एवं ग्रामीण स्तर पर सहकारी विपणन समितियां स्थापित की गई, जो कि कृषि विपणन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बारहवीं इसकी योजना में है भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सभी राज्यों में कृषि दोत को अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है, जो कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू करने की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी भी वांछित सफलता इसमें नहीं मिली है। 13वीं इसकी विरचना के अंतर्गत है भू संरक्षण। भू संरक्षण मतलब भूमि का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत भूमि को सुरक्षित रखने के कार्यक्रम चालू किए गए हैं, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में कृषि योग्य भूमि को हवा पानी के कटाव से बचाने की व्यवस्था की गई है। पहाड़ी भागों में घाटियां एवं दर्रों की भूमि साफ एवं समतल कर कृषि योग्य बनाई जा रही है। मतलब भू संरक्षण होने से भी अपने अधिक मतलब अधिकतम उत्पादन हो सकता है, ये महत्वपूर्ण इसकी व्यू रचना के अंतर्गत आती है। तो इसकी विशेषता इसकी व्यू रचना है समर्थन मूल्य नीति। समर्थन मूल्य नीति भी एक इसमें महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें अगला है इसमें समर्थन मूल्य नीति भी अपना ये समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत कृषि विरचना के अंतर्गत किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत कृषिगत फसलों का न्यूनतम पोषक मूल्य घोषित किए जाते हैं, जो सरकार किसानों को न्यूनतम मूल्य देने की गारंटी देती है। यदि फसलों के मूल्य को न्यूनतम स्तर से नीचे चले जाते हैं तो सरकार इसके न्यूनतम मूल्य की कृषि उपज का क्रय करती है। देश के खाद्यान्न का क्रय के लिए भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के भंडारण बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न रखती है। ऐसे गोदाम राजस्थान के अंतर्गत भी होते हैं, जो कि भंडारण व्यवस्था के लिए इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 15वीं इसकी विरचना के अंदर इस कार्यक्रम में आता है कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं। जो कमजोर किसान वर्ग है, जो गरीब किसान है, उनको भी एक सहायता उपलब्ध करवाती है। ये लघु कृषक विकास एजेंसी के माध्यम से किसानों को सहायता देती है। छोटे किसान, सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA तथा सीमांत कृषक कृषि श्रमिक विकास एजेंसी एवं एकीकृत सूखा भूमि विकास आदि परियोजनाएं चलाई गई है। अगला थोड़ी इसकी विरोचना के अंतर्गत शुष्क खेती। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुष्क खेती विकसित की गई है। जिस क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां शुष्क खेती द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिसके लिए कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ी है व्यू रचना के अंतर्गत। अगली है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हुई है। अनावश्यक जनधन की हानि और अनावश्यक बाढ़, अकाल, वर्षा की कमी होने से किसान वर्ग को जनधन की हानि हो जाती है, तो फसलों का बीमा से सरकार उनको उपलब्ध मुआवजा उपलब्ध कराती है, उनको उपलब्ध अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। कृषकों को आर्थिक एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत बीमा युक्त खेतों में किसी भी कारण से हानि होने पर बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था है। इससे किसान आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षा अनुभव करने लगा है। ये भी बहुत अच्छा है कि फसल बीमा योजना जो कि किसान वर्ग के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। 18वीं इसकी व्यूह रचना के अंतर्गत गैर कृषि उद्योगों का विकास। गैर कृषि उद्योगों का विकास भी
कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करने के लिए खाली समय में कृषकों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए गैर कृषि उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है, जिसे पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी पालन, डेयरी फार्मिंग, वन विभाग, लघु कुटीर उद्योग आदि सम्मिलित है, जिसे लोग शहरों की ओर पलायन नहीं हो उस लोगों को खाली समय में रोजगार उपलब्ध मिल सके। तो ये अनेक प्रकार के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वन विभाग, पशुपालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन पालन के द्वारा भी अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। 19वीं की योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में आता है राष्ट्रीय के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी एक महत्वपूर्ण है। इसकी कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम